गाइस चलिए हम जो है आज अमेजोन से 500 रुपया या फिर उससे ज़्यादा का कुछ शॉपिंग करते हैं और साथ साथ 500 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। जी हाँ चलिए, यहाँ पे मैं अभी आपके सामने जो है शॉपिंग करके दिखाता हूँ, कैशबैक भी कमा के दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अमेजोन को हम ओपन किए हैं और देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ये जो शॉप फॉर 500 एंड 500 कैशबैक जो आपको ये बैनर जो नीचे में जो शो कर रहा था वो अभी आपको शो कर रहा है। तो चलिए मैं आपको जो पूरा प्रोसेस कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा, साथ साथ जो मुझे कैशबैक मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। चलिए फिर से हम इसको अमेजोन को ओपन करते हैं और अमेजोन जो सिंपल एप्लीकेशन है उसको ओपन करने के साथ कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है। गाइज यहाँ पे आपको ऑफर का सेक्शन में देख रहे हैं, 500 पे 500 का कैशबैक वाला जो ऑफर है यहाँ पे देख सकते हैं, अनलॉक ऑफर 500 रुपीज, बैनर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे यू आर एलिजिबल फॉर ऑफर है और यहाँ पे ऑफर जो है समझा दे रहा है कि 500 रुपीज का कैसे कैशबैक मिलेगा। गाइज आपको 100 रुपये जो है एक मतलब कि 200 रुपये का मनी ट्रांसफ़र करना है जिसमें से आपको 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा और 50 रुपीज़ का रिचार्ज में 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। गाइज मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, इस ऑफर 500 के ऑप्शन पे क्लिक करके कोई भी सामान को यहाँ पे हम 638 रुपये का ये मेरा सामान है मैं इसको भी जो है ऑर्डर करके आपके सामने दिखाता हूँ। ऑर्डर करना है आपको प्रीपेड ऑर्डर करना है, मतलब कि आपको पेमेंट पहले कर देना है ऑर्डर में तभी आपको कैशबैक मिलेगा। गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मैं भी जो है 500 रुपीज़ का यहाँ पे जो ऑर्डर करने के लिए कर रहा था, मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो सिलेक्ट करके रखा हूँ और यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे ऑर्डर कर रहा हूँ। गाइज अपना आपका जो है जैसे भी हो आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है, पहले पेमेंट आपको कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना पेमेंट जो है अपना UPI द्वारा कर देता हूँ। गाइज आप UPI द्वारा भी कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड, कैसे भी हो आपको पेमेंट सिर्फ कर देना है। गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपना UPI पिन यहाँ पे इंटर करूँगा और अपना UPI पिन से यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेता हूँ। और इस तरह से देख सकते हैं मैं अपना UPI पिन यहाँ पे डाल दिया हूँ और यहाँ पे UPI पिन डालने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ऑर्डर स्टेटस में, कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर नाउ यहाँ पे हो चुका है, ऑर्डर हमारा देख सकते हैं प्लेस ऑर्डर फॉर, यहाँ पे देख सकते हैं आपको गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वालिटी रहेगा यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ वो आपको दिख रहा है। लेकिन मैं भी यहाँ पे देख सकते हैं 50 रुपीज़ का यहाँ पे कैशबैक भी मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं 50 रुपीज़ कैशबैक अमेजोन पे से अगर आप UPI से पेमेंट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा, क्योंकि अमेजोन से UPI पे पेमेंट करते हैं तो अब आपको यहाँ पे 50 रुपये का कैशबैक दे रहा है। गाइज यहाँ पे UPI पिन यहाँ पे मैं फिर से इंटर किया हूँ और UPI पिन इंटर करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट से जितना जो मैं प्रोडक्ट्स खरीद रहा हूँ उतना ही मेरे अकाउंट से कट गया है। और मैं आपको जो अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में भी जाकर दिखा देता हूँ कि मुझे कितना जो है कैशबैक मिला है, कैसे मिला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइज जैसा कि देख सकते हैं मेरा ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुल्ली यहाँ पे हो चुका है और मैं यहाँ पे अभी जो वापस रिटर्न चलूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि जो मेरा यहाँ पे अभी कह सकते हो कि जो मैं यहाँ पे अभी ये जो परचेज किया हूँ। और आप सब देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे परचेज किया हूँ मुझे एक SMS मिला है, SMS में आपको एक लिंक मिला है, लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है ओपन करना है। गाइस जो लिंक मिला है ना उसी पे आपको क्लिक करके आपको ओपन करना है, तब आप एक जो है नए ऑफर वाले पेज पर आ जाइएगा। गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी यहाँ पे अपना सबसे पहले जो लिंक मिला है लिंक पे क्लिक करके अमेजोन यहाँ पे जैसे ही जो इसको ओपन करता हूँ तो डायरेक्ट ये हमें और जो है अमेजोन शॉपिंग में रिडायरेक्ट कर दे रहा है। गाइज आपके सामने सब कुछ करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अमेजोन में रिडायरेक्ट हो गया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं मुझे एक ऑफर सेक्शन पेज में आ गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपीज़ का कैशबैक सबसे पहले मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले 100% कैशबैक मिल रहा था वहाँ पे रिचार्ज में, सबसे पहले 100 रुपये मैं अभी आपको कमा के दिखा देता हूँ। कलेक्ट दिस ऑफर के ऑप्शन आपको मिल रहा है, कलेक्ट दिस ऑफर का ऑप्शन पर क्लिक करिए, ऑर्डर नाउ का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ऑर्डर नाउ का ऑप्शन पर क्लिक करिए। अब आपको क्या करना है एक UPI ID पे आपको क्या करना है 250 रुपीज़ या फिर 200 से ज़्यादा का को ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक UPI ID ले लेता हूँ, अमेजोन का ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना एक UPI ID यहाँ पे लिया हूँ और वेरीफाई एंड प्रोसीड का ऑप्शन आपको नीचे में मिल रहा है, वेरीफाई एंड प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं इस नंबर पे 250 रुपीज़ भेज देता हूँ। गाइज आपको 200 रुपये भी भेजिएगा तो चलेगा लेकिन 200 से ज़्यादा भेजिएगा। तो मैं अभी यहाँ पे 250 रुपीज़ करके यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ, अपना UPI पिन डालेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना UPI पिन डालने के साथ यहाँ पे हमारा जो है UPI मनी ट्रांसफ़र यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। गाइज अब चलते हैं, बात है कि हमारा जो 100 रुपीज़ यहाँ पे मैं कमा चुका हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे 100 रुपीज़ का जो कैशबैक मिला है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको 100 रुपीज़ का जो कैशबैक मिला ये है, 100 रुपये का ट्रांजेक्शन में मतलब 200 रुपये का ट्रांजेक्शन में 100 रुपीज़ का कैशबैक। और फिर आपको क्या करना है 50 रुपीज़ का आपको एक रिचार्ज करना है जिसमें से 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। तो गाइज सबसे पहले चलते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में कितना ट्रांजेक्शन हुआ सभी को सभी हम आपको दिखला देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं अपना अमेजोन पे में जाता हूँ, अमेजोन
पे में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 100 रुपीज़ का कैशबैक मिला है, जो आप देख सकते हैं। और गाइज मैं आपको ट्रांजेक्शन भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ट्रांजेक्शन मुझे 600 कुछ रुपये का मैं यहाँ पे अभी किया हूँ, और साथ ही साथ तो मुझे गाइस जो देख है सकते हैं किस कैशबैक मिल में भी गया जाता है। हूँ ये अमेज़ॉन वाला जो ऑफर जो मुझे 500 पे 500 मिला था, जो मतलब SMS में मिला था लिंक, लिंक पे क्लिक करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये देख सकते हैं आपकी अमेज़ॉन में डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अमेज़ॉन में रिडायरेक्ट हो गया हूँ, और फिर से आपको वही ऑफर वाला पेज यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मुझे जो 100 रुपीज़ का कैशबैक मिला था 200 रुपये में, बच गया मुझे 400 रुपीज़ का कैशबैक। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ तो ये देगा कैशबैक बुक माई शॉप की तरफ से, अगर कुछ आपको होटल वगैरह बुक करते हैं 200 रुपया या फिर उससे ज़्यादा का। तो यहाँ पे हो गया टोटल 200 रुपीज़ हो गया, और यहाँ पे 250 रुपीज़ मिल रहा है अगर आप लोग फ्लाइट बुकिंग करते हैं, तब आपको इसमें से 250 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। लेकिन गाइज हमें ये दोनों ऑफर जो है मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बुक माई शो वाला और जो है फ्लाइट बुकिंग वाला, क्योंकि ये सब तो जो है कोई भी ऑफर को यूज करता नहीं है। फिर मुझे ये जो है ये 50 रुपये का कैशबैक में, 50 का रिचार्ज में 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा। गाइज यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कलेक्ट ऑफर का ऑप्शन पे क्लिक करके इस ऑफर को जो एक्टिवेट कर लेना है, फिर ऑर्डर नाउ का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑर्डर नाउ का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। गाइज यहाँ पे आप लोग देखते हैं रिचार्ज का ऑप्शन आ गया आपके सामने, आपके सामने जो रिचार्ज का ऑप्शन आया है, रिचार्ज का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है, एक मोबाइल नंबर को टाइप करना है जिस पर कि आपको रिचार्ज करना है। मैं भी यहाँ पे एक रिचार्ज का मोबाइल नंबर टाइप कर लिया हूँ, और मुझे 50 रुपीज़ का रिचार्ज करना है, इसलिए मैं जियो में रिचार्ज कर लेता हूँ 50 रुपीज़ का। और देखते हैं मैं जो है 50 रुपीज़ का यहाँ पे जो ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद मेरे अकाउंट में 86 रुपीज़ बैलेंस है। मैं भी क्या करता हूँ अपने अकाउंट से, जिसमें कि 86 रुपीज़ मेरे अकाउंट में बैलेंस है, तो मैं अपने अकाउंट से ही 86 रुपीज़ का जो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे थैंक यू योर रिक्वेस्ट हैज़ बिन प्लेस्ड, हमारा जो रिक्वेस्ट है प्लेस्ड हो चुका है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाकर कि मेरा रिचार्ज जो है सक्सेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो गाइज आपको क्या करना है, बस सिंपल से आपको शॉपिंग करना है और यहाँ पे इस ऑफर का लाभ उठाना है। तो मैं भी क्या करता हूँ अपना अमेज़ॉन पे में फिर से जाता हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है, और मेरा यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस भी कट चुका है गाइज। तो यहाँ पे मैं भी क्या करता हूँ, सबसे पहले यू ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाकर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट से 50 रुपीज़ जो है कट चुका है। अब आती है बात जो है कैशबैक का, कैशबैक आपको 2 से 3 मिनट में आपको मिल जाता है। तो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मुझे कैशबैक मिलता है या फिर नहीं मिलता है आपके सामने सब कुछ जो होगा। गाइज तो अभी कैशबैक आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको जो कैशबैक है आपको 100% गारंटी है कि आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मुझे कैशबैक मिला है इस तरह से, तो कैशबैक आपको मिलेगा, इसमें से कोई भी ऐसा बात नहीं है कि कैशबैक नहीं मिलेगा, कैशबैक आपको 100% है मिल जाएगा। ये आपको 72 आवर्स तक समय लेता है। तो खैर इस वीडियो में इतना ही रहता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।